परिवहन विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा आज एक बैठक लेने वाली है। परिवहन मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें सभी आरटीओ को व्यक्तिगत रूप से बैठक में आना होगा। हर आरटीओ रीजन से एक डीटीओ और एक निरीक्षक को भी बैठक में आना होगा। बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर के चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवहन विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा आज बड़ी बैठक लेने वाली है, जिसमें सभी आरटीओ को व्यक्तिगत रूप से बैठक में आना अनिवार्य है और हर आरटीओ रीजन से एक डीटीओ और एक निरीक्षक को भी बैठक में आना होगा, अपनी उपस्थिति देनी होगी। और उसके बाद देखिए, बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कई महत्वपूर्ण मसले हैं, जिनको लेकर के चर्चा भी की जानी है। बड़ी खबर इस वक्त की परिवहन विभाग से, जहां परिवहन विभाग में एक बड़ी बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र भी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है बैठक में? क्योंकि लंबे समय के बाद परिवहन विभाग में नॉन वीसी मीटिंग हो रही है। अभी तक जो बैठक हो रही है लगातार आईसी, वो वीसी के जरिए हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन काफी समय के बाद जो आरटीओ है, डीटीओ है, उनको फिजिकली बुलाया गया है मीटिंग के लिए। और ये मीटिंग खास करके जिस तरीके से सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, उसको लेकर इसमें चर्चा होगी। वित्तीय वर्ष खत्म होने को है, रेवेन्यू टारगेट तक किस तरीके से पहुंचा जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और ये दो खास एजेंडे हैं। इसके अलावा बीते दिनों कई तरह के विवाद हुए हैं परिवहन विभाग में चेकिंग के नाम पर। अलवर में जब चेकिंग हुई थी तो 3 परिवहन निरीक्षकों को 151 में गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस की ओर से विवाद के बाद। ऐसे विवाद नहीं हो, उनसे बचने के लिए क्या किया जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में विस्तृत चर्चा होगी। तो महत्वपूर्ण बैठक है और जो परिवहन आयुक्त डॉक्टर मनीष अरोड़ा, वो इस बैठक को चेयर करेंगे। अच्छा शिवेंद्र, समय क्या कुछ रहना है बैठक का? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है कि तकरीबन 10 बजे जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुबह जल्दी का समय है, इसलिए अधिकतर आरटीओ जो प्रदेश के बाहर से आए हैं वो पहुंच चुके हैं जयपुर कल रात को ही, और सुबह 10 बजे बैठक जो है वो शुरू होगी। और बिल्कुल शिवेंद्र, नजर आप बनाए रखिएगा बैठक को लेकर, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।